हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू स्टेट एकेडमी। आज हम आपको पोयम वन द स्क्रॉल, आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं। आप यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो अभी के अभी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन इस तरह से है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द स्क्रॉल। तो इसके पोएट जो है, द स्क्रॉल पोएम जो है, इसके पोएट का नाम आपको बताना है। इनकी ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, और पोएट हैं इनके, ये इन्होंने लिखी है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जिन्हें आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच टाइप ऑफ क्रिएचर स्क्रिल इज। भाई जो स्क्रिल है, गिलहरी है, वो किस तरह की क्रिएचर है? भाई ये तो बहुत इनोसेंट और फन लविंग है, तो हम लिखेंगे स्क्रिल इज लाइक अ लाइक एन इनोसेंट एंड फन लविंग क्रिएचर, जिसके साथ आप खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, और आपको देख के वो भाग भी जाती है इधर उधर। हाउ डज अ स्क्विरल टेल लुक लाइक। अब जो उसकी टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो कैसे दिखाई देती है? वो देखो, उसकी पूंछ जो होती है वो ट्विस्टेड होती है और क्वेश्चन मार्क बनाती है। द टेल ऑफ द स्क्विरल इज ट्विस्टेड लाइक अ क्वेश्चन मार्क। ये देखो, ये ट्विस्टेड हो गया, मुड़ा हुआ, और ये क्या बन रहा है? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क ही बन जाता है और ट्विस्टेड है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द स्क्रिल डूइंग ऑन द ग्राउंड। स्क्रिल जो है वो क्या करती है ग्राउंड में? भाई वो तो खाती है मजे से नट्स। द स्क्रिल्स इज ईटिंग नट्स। तो उसे अखरोट खाना बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, वेयर डू द पोएट ऑब्जर्व अ स्क्रिल। भाई जो पोएट है, उन्होंने आर्मस्ट्रांग जो है, उन्होंने स्क्रिल को कहाँ ऑब्जर्व किया था? उन्होंने किया था अपने ही गार्डन में। द पोएट ऑब्जर्व स्क्रिल इन हर गार्डन, अपने ही गार्डन में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डिड द स्क्रिल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। भाई जो स्क्रिल गिलहरी है, वो क्या करती है अगर कोई भी उसके ट्री के पास आ जाता है? तो कोई भी जब उसके ट्री के पास आता है तो वो भाग जाती है। द स्क्रिल वुड रन अवे, वो भाग जाती है इंस्टेंटली एकदम से, इफ समवन ट्राई टू कम, अगर कोई कोशिश करे टू क्लोज, बहुत ही पास आ जाए उसके ट्री के। तो आपने भी देखा होगा पार्क में, जैसे आप ट्री के पास जाते हैं जहाँ स्क्रिल है, तो एकदम से वो भाग जाती है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द स्क्रिल लाइक टू डू। भाई उसे क्या करना पसंद है? द स्क्रिल लाइक टू टीज एंड प्ले। उसे टीज करना और खेलना बहुत ही पसंद है। और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एट, वेन एवर दे रन अराउंड हिज ट्री, व्हाट डिड ही डू। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले यहाँ पे किया, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स था। इसमें ये पूछा गया था कि व्हाट डिड स्क्रिल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। अब ये क्वेश्चन को देखो, उन्होंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन को बदल दिया, और मीनिंग तो सेम ही है। कि अब मीनिंग क्या है, वो यही कह रहे हैं ना कि देखो, कि वेन एवर दे रन अराउंड हिज ट्री, दे यानी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है पोएट, तो अगर वो आते हैं उसके ट्री के पास अराउंड हिज ट्री, तो व्हाट डिड ही डू, तो वो क्या करती है? तो वो क्या करती है, जैसे भी उसमें पढ़ा था, वो भाग जाती है। तो दूसरी तरफ, तो ही रन्स टू द अदर साइड ऑफ द ट्री, वो दूसरी तरफ भाग जाती है, रन अवे हो जाती है इंस्टेंटली। नेक्स्ट, अब दोनों का क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सेम, आंसर तो सेम है पर लैंग्वेज दोनों की अलग कर दी, तो आपको आंसर वही लिखना है कि वो जब भी कोई भी उसके पास जाएगा, उसके ट्री के पास जाएगा, तो वो एकदम से भाग जाएगी दूसरी तरफ। हु लव्स टू ईट नट्स, किसे नट्स खाना पसंद है? सबको पता है द स्क्रिल लव्स टू ईट नट्स, और उसको अखरोट खाने बहुत ही पसंद है स्क्रिल को। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज इट ईट अ नट्स। भाई वो कैसे वो नट्स को खाती है? तो वो इस तरह से खाती है, देखो, इट ईट्स अ नट बाय सिटिंग ऑन हिट्स हिंड लेग्स, जो उसकी पिछली टांगे है तो उसके पास रखकर वो आराम से बैठकर, यहाँ पर देखो वो नट्स, ये हिंड लेग्स यहाँ पर इसे बोलते हैं, बैक साइड वाली जो उसकी लेग्स हैं, तो वहाँ पर वो बैठ उसका अपने नट्स को रखती है और आराम से बैठ के नट्स को खाती है, और उसे बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट वन इज, वट इज इट्स स्किन कलर। भाई इसकी जो स्किन है उसका कलर क्या है? उसकी स्किन का कलर है बच्चों, वो है ग्रे। इट्स स्किन कलर इज ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज ही वेंट द अदर वे। भाई वो क्यों दूसरी तरफ भाग जाती है? तो उसका भाई ये रीजन है, व्हेन ही सी
ह्यूमन बींग्स अराउंड द ट्री। भाई उस जब वो देख, पहले आप क्वेश्चन में से ही लिख लो ही वेंट टू द अदर वेज बिकॉज वेन, फिर उसके बाद वेन लिखे बिकॉज नहीं, वेन ही सी ह्यूमन बींग्स, जब वो लोगों को देखती है कि वो ट्री के पास आ रहे हैं तो वो दूसरी तरफ भाग जाती है। आप क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट वन इज हाउ इज द स्क्विरल बॉडी कर्व्ड लाइक, जो उसकी बॉडी है कर्व्ड लाइक, ऐसे कर्व होता है ना, ये कर्व लाइक जो है ऐसी क्यों है। तो द बॉडी ऑफ स्क्विरल इन कर्व लाइक विद अ ग्रे ओवर कोट, कि जैसे उसने कोई एक ग्रे कलर का ओवर कोट पहना हुआ है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ ग्रे ओवर कोट रेफर टू, भाई अब जो ये ग्रे ओवर कोट है वो क्या रेफर कर रहा है, तो वो उसको देखो आप क्वेश्चन आगे ऐसे ही, द स्क्विरल बॉडी इज बींग रेफर्ड, जो उसकी जो बॉडी है स्क्विरल की वही तो रेफर कर रही है कि उसने एक ग्रे कोट पहना हुआ है, तो ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ डू स्क्विरल यूजली सिट, भाई ज़्यादातर जो स्क्विरल्स होती हैं वो कैसे बैठती हैं, तो वो ज़्यादातर जो जितनी भी आपने स्क्विरल्स, सभी स्क्विरल्स जो हैं यूजली सिट एंड रन एंड अ ब्लेंडेड बैक, तो वो इस तरह से पिछले पाँव पे ओके बैठती हैं और भागती हैं और नट्स खाती हैं फिर बैठ कर आराम से, उन्हें नट्स खाना बहुत पसंद है, हमने पढ़ लिया पहले भी। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द स्क्विरल सिटिंग एंड वट वॉज ही डूइंग, तो जो स्क्विरल है वो कहाँ बैठी थी और वो क्या कर रही थी, तो स्टूडेंट वो बैठी थी ग्राउंड में, द स्क्विरल वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ही वॉज ईटिंग नट्स, और वो नट्स खा रही थी बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई ही लव्स टू ईट नट्स, क्योंकि उसको नट्स खाना बहुत ही पसंद है, उसके फेवरेट है भाई, सभी जानते हैं। टीजिंग इज द पोएट वे डैश विद द स्क्रिल, तो आपको यहाँ भरना है जो टीजिंग का, जो बेसिकली पोएट जो है उसका क्या मीनिंग है, वो क्या सोचता है उसके बारे में, तो वो सोचता है कि वो है टीजिंग इज द, यहाँ पे हम भरेंगे टीजिंग इज द पोएट्स वे ऑफ प्लेइंग विद द स्क्रिल, कि वो स्क्रिल के साथ उसे खेलना और उसको तंग करना, तो प्लेइंग आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रिल इन द पोएम, भाई आपको इस स्क्रिल की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है, मतलब उसकी उसको डिस्क्राइब करना है स्क्रिल को, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, द स्क्रिल हैज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट्स टेल, भाई जो उसकी ये टेल है तो वो एक क्वेश्चन मार्क बनाती है ट्विस्टेड लाइक, एंड ग्रे कोट, उसने एक उसकी जो बॉडी है वो ऐसे लग रहा है कि उसने एक ग्रे कोट पहना है, विच द पोएट डिस्क्राइब्स एज एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और पोएट ने उसको डिस्क्राइब किया है कि वो एन ओवर कोट है ग्रे कलर का जो उसकी बॉडी है, जैसे कि विंटर्स में हम पहनते हैं ना कोट्स, तो ओवर कोट, तो पूरी बॉडी उसकी जो है ओवर कोट है वो भी ग्रे कलर की। इज द स्क्विरल अ वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, क्या आपको लगता है कि क्या ये वाइल्ड एनिमल है, जंगली है या फिर डोमेस्टिक एनिमल है स्क्विरल जो है, तो स्टूडेंट ये तो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, तो द स्क्विरल इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, पहले ये लिखना है, इट इज रेदर अ वाइल्ड एनिमल है, इसके बारे में इट इज जनरली फाउंड कहाँ पे आपको मिलती है, इन और अराउंड टॉल थिक ट्रीज पे, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल थिक ट्रीज होते हैं वहाँ पर आपको ये मिलती है, तो इसलिए हम इसे डोमेस्टिक एनिमल नहीं कहते हैं। तो ये 19 क्वेश्चंस थे एक्सप्रेस, और भी होंगे तो मैं आपको कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिलेंगे, सब्सक्राइब करो मत भूलना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, आपके लिए मेहनत कर रही है, और लाइक भी कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है आप यार पढ़ाई कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, अच्छी लगी वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए इसका पीडीएफ तो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको सेंड करेंगे। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।